ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिनका सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो को आप लोगों को ऐसे एकदम बिल्कुल कंप्लीट देखना है, तभी यार आप सभी को समझ आएगा कि आपको फोटो का एक्चुअल में एडिट कैसे करना है। तो गाइस आप लोग वीडियो को एकदम बिल्कुल कंप्लीट देखना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो है अपनी फोटो को पहले जो है कुछ इस टाइप में आपको क्लिक करवा लेना है। देन गाइस आपको उसका बैकग्राउंड रेज करना है। एंड गाइस बैकग्राउंड रेज करने के लिए आपको अपनी फोटो को ले जाना है ड्रॉ टूल में। देन गाइस आपको जाना है ऐसे फिर लेयर में। लेयर में जाने के बाद गाइस आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस जाना आपको फिर इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आपको जो है साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइस आपको हार्डनेस जो है गाइस ब्रश का वो रखना है आप सभी को 90 तक, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना, आपको अपनी फोटो को जो है फटाफट इरेज करना है। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेता हूँ। एंड गाइस फोटो के रिलीज होने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस जिस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस मॉडल को जब आप ऐड कर लोगे तो गाइस आपको यहाँ पे मॉडल का जो साइज़ है वो किस टाइप से रखना है। आपको गाइस अपने मॉडल का ये चीज़ ध्यान से रखना है कि जो आपका मॉडल का जो हैंड होगा गाइस वो आपके मिरर जो मतलब कि ऋतिक रोशन को जो हिम्मत सिंह मिरर दिखा रहे हैं आपको कुछ टाइप में आपका पोज होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको सिंपली इसको अपने मिरर के पास ऐसे टच करके रख देना है। एंड उसके बाद आपको साइज़ जो है कुछ इस टाइप से रख लेना है। एंड गाइस साइज़ को जो है थोड़ा नीचे की तरफ रखना, ठीक है। ओपेसिटी कम करके चेक करते रहना गाइस, ठीक है। तभी आपको जो है फोटो है लगेगा कि हाँ आपका जो एक्चुअल में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद आपको फिर इरेजर टूल में जाकर आपको नीचे से जो है ये नीचे का जो वेस्ट ये आपको सिंपली इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। एंड ज़्यादा इरेज नहीं करना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा इरेज करना है जैसे गाइस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फिर इतना हो जाने के बाद आपको ओपेसिटी यहाँ पे फुल करना है। तो गाइस यहाँ पे भी परफेक्ट इरेज नहीं हुआ है तो अभी हमें थोड़ा फील करना पड़ेगा, तो हम इसको पूरा यहाँ पे फील कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से जो दो पार्ट इरेज हो गया एक्स्ट्रा। तो इतना हो जाने के बाद आपको फ्री करना है। इतना कर देने के बाद आपको फ्री करना है, यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे डन वाले सॉरी ऐड फोटो में जाना है आपको फिर। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है ब्लैक कलर की पीएनजी। एंड ब्लैक कलर की पीएनजी ऐड करने के बाद आपको ऐसे फुल स्क्रीन करना है। एंड जाना है रिजल्ट रूम में, फिर आपको उसको कर देना है इन्वर्ट। तो रिजल्ट रूम में जाएंगे एंड इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश करने के बाद आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है, फिर आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड गाइस के बाद आपको अपने जो हैंड दिख रहेगा आपको सिंपली कुछ स्टेप से शेडो बनानी है, ठीक है। तो गाइस अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शेडो हमारी किस टाइप की बन रही है, तो हमारे हैंड के ऊपर दिख रही है, बट गाइस इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। आपको गाइस शेडो बनाने के बाद आपको डन करना है, फिर आपको रिजल्ट रूम के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको उसको कर देना मूव बैक एंड पीछे की तरफ चले जाएगा, एंड आपकी जो शेडो एकदम क्रिएटिव तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो इतना जाने के बाद आपको फ्री करना, आपको सिंपली डन कर देना है। फिर आपको गाइस जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक गाइस विग्नेट वाला पीएनजी, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड इसको ऐड करने के बाद आपको फिर इसको ऐसे करके ऐड कर देना है। एंड इसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फ्री करना, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड गाइस इसको लेके चलना है आपको यहाँ से लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस इसकी रीटच के बिना तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो इसको हम लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। देन गाइस आपको यहाँ पे जाना है लाइट वाला ऑप्शन में। लाइट रूम ऐप में जाने के बाद फिर आपको इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट कम कर देना है, जो शेडो है जिसको भी थोड़ा कम कर देना है। एंड जो गाइस यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रहा है आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, जो ब्लैक इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है।
फिर आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आपका थोड़ा वाइब्रेशन को जो है यहाँ पे आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा टेम्परेचर जिसको कम करते रहना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में, आपको अगर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड जो यहाँ पे येलो कलर आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। फिर आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको अगर जिसका ब्लू कलर अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ और चाहिए तो वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू रखा है क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, तो आप चाहो तो कोई भी कलर रख सकते हो। देन गाइस आपको जाना नीचे वाला टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है एंड गाइस फोटो में हल्का सा विग्नेट डालना, जितना आप चाहो उतना विग्नेट डालना, ठीक है, ज़्यादा मत डालना, जितना आप चाहो उतना ही, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है, जाना नीचे वाले टूल में, आपको फिर यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो का नो रिडक्शन डाल देना है एंड थोड़ा सा कलर नो रिडक्शन है वो भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस ऐसा करता आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।